हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अम्ल के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे कि जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, बनाते हैं। देखिए इसके अभिक्रिया को यहाँ पे दर्शाया गया है। अम्ल जब धातु से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस याद दे रहे हैं ना, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अगर कोई धातु है, धातु को जब हम एसिड में डाल देंगे, ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें अगर हम डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट यानी कि ये लवण है, ये सल्फेट लवण है और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस बबल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल्स है और ये स्टैंड है आपका, उसके बाद ये है टेस्ट ट्यूब, ये जो है टेस्ट ट्यूब है, प्रखनली है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो लिक्विड है अंदर में, ये कौन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें जो है छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये जो जिंक के टुकड़े हैं ये जब रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये आपका डिलीवरी ट्यूब है जिससे कि हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलता है, और देखिए ये पानी में तो कोई गैस रहता नहीं है तो यहाँ बबल्स बन के निकलेगा, और जब इस बबल्स के सामने आप जलती हुई मोमबत्ती को रखोगे तो ये पॉप की आवाज से ये सुनाई देगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। देखिए यहाँ पे पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ है जो मैं पीछे बताया हूँ, ये स्टैंड है, ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स है, डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे जिंक का जो टुकड़ा है छोटा छोटा, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट करके ये बबल्स बना रहा है यानी कि हाइड्रोजन गैस का बबल्स बन रहा है, और ये आपका निकलेगा इस डिलीवरी ट्यूब से, और ये वाटर में तो नहीं रह सकता है कोई भी हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस, तो ये क्या करेगा, तो ये बबल्स बन के निकलेगा। और देखिए यहाँ पे है सॉप सॉल्यूशन है, ये मतलब जो सॉल्यूशन है साबुन का सॉल्यूशन है ताकि जो गैस है वो एक बबल्स के रूप में निकले, और यहाँ देखिए सॉप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन, और इस सॉफ्ट बबल्स में क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन भरा हुआ है। उसके बाद ये है कैंडल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, और ये जो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ जो बबल्स है ये मोमबत्ती के सामने रखी जाती है तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इस तरह से आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।